गहलोत मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचे हुए हैं। डिजिटल ये म्यूजियम है, इसकी शुरुआत यहां पर सीएम की तरफ से की जाएगी और सीधी तस्वीरें कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हो चुकी है विधानसभा में। ये डिजिटल म्यूजियम जिसमें इतिहास राजस्थान का दिखाया जाएगा, आखिर किस तरीके से राजस्थान ने ये लंबा जो सफर है वो तय किया है, इन तमाम चीजों का जिक्र इस डिजिटल म्यूजियम में होगा। पापम दीप ज्योतिर नमस्तुति 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 नन्हे दीपक आस है तुझसे मिले सबको तुझमें ऐसा प्रकाश पले। नन्हे दीपक आस है तुझसे मिले सबको तुझमें ऐसा प्रकाश पले जिसमें सुख शांति और स्नेह मिले और जो मन का तमस भी चले। नन्हे दीपक तू कर आज प्रण चाहे कितना भी हो तम न छोड़ेगा तू रण रहेगा तू प्रज्वलित चाहे आंधियां चले भीषण जलता रहेगा चलता रहेगा तू क्षण प्रतिक्षण। माननीय अतिथिगण का आभार। हम सम्मानित अतिथियों का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से करते हैं। इस अवसर पर हरियाली और खुशहाली के प्रतिरूप सृजन प्रगति और परोपकार के प्रतीक खुशहाल भविष्य को अपने में समेटे नन्हे पौधों को भेंट कर मंचस्थ माननीय अतिथिगण का स्वागत कर रहे हैं। सर्वप्रथम विनम्र आग्रह है माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी साहब से कि आप समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री राजस्थान को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब श्री भवानी सिंह जी देथा शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग से आग्रह है कि वे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री प्रमिल कुमार जी माथुर सचिव राजस्थान विधानसभा से आग्रह है कि वे नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री लोक बंधु जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से आग्रह है कि वे माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार जी धारीवाल साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमने पौधा भेंट कर माननीय अतिथिगण का स्वागत किया और अब माननीय सचिव राजस्थान विधानसभा से आग्रह है कि वे कृपया माननीय अतिथिगण का शाब्दिक रूप से स्वागत करें। माननीय सचिव महोदय। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डिजिटल म्यूजियम के प्रणेता। तो डिजिटल म्यूजियम की शुरुआत यहां पर की जा रही है, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब इस वक्त मंच पर जो है मौजूद हैं। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौर पर जानकारी के साथ। शशि, क्या कुछ जो है खास रहेगा इस डिजिटल म्यूजियम में? देखिए, ये म्यूजियम है, इसमें डिजिटल म्यूजियम राजस्थान विधानसभा में बनने वाला है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 जुलाई 2019 को इसी विधानसभा में की थी विधानसभा सत्र के दौरान, और अब इसका काम आज से शुरू हो जाएगा जिसको साकार होने में तकरीबन 6 महीने का वक्त लगेगा। इस म्यूजियम में अब तक की राजस्थान की संसदीय परंपराओं का ब्यौरा दिया जाएगा, साथ ही जो संसदीय परंपराओं में विधानसभा अध्यक्षों की मुख्यमंत्रियों की क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, उस बारे में बताया जाएगा। अभी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसको भी इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा, साथ ही प्रदेश के जो ऐतिहासिक लम्हे हैं, जैसा हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि महात्मा गांधी का जो राजस्थान यात्रा हुई उस दौरान की बातें,
इसमें दर्शाई जाएंगी और ऐसे ही कई दूसरे जो पहलू हैं उनको इस म्यूजियम में शामिल किया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसके जरिए उस इतिहास को सहजने की कोशिश की गई है जिसके जरिए राजस्थान ने अपनी जो लंबी यात्रा है वो प्रशस्त की है और आने वाले वक्त में भी लोग उन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से जान सके जिसका इस डिजिटल म्यूजियम के जरिए जो सपना है वो साकार होगा।